नहीं डाला था एंड मुझे कोई कंटेंट भी नहीं मिल रहा था। ऑब्वियसली मैं सब कुछ पहले ही आपको दे चुकी हूँ लगातार, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मुझे एक इन द प्रो में एक कैफे मिला है जहाँ मुझे वहाँ पर जाके फूड ब्लॉगिंग करनी है। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, उस कैफ़े का नाम है बरोपी और वो इंद्रपुरम में है, लाइक जहाँ चस्ट हाउस के जस्ट सामने जी मॉल के पास। तो मिलते हैं फिर हम आपसे वहीं पर कैफे पे, आपको वहाँ का इंटीरियर एक्सटीरियर खाना चाय सब कुछ दिखाऊंगी। वहाँ पे मोस्टली चाय है बहुत सारे फ्लेवर्स की, तो वो भी दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे। धनो से जा रहे हैं हम लोग और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे 12:30 तक। अगर पहुँचना था, मैं लेट हो गई हूँ तैयार होने में। तो फिर अब मिलते हैं आपसे फिर वहाँ पे एंड चलो चलते हैं फिर, बाय बाय। तो गाइस हम लोग नीचे आ चुके हैं एंड मेरी धनो भी रेडी है। ऑब्वियसली हमें अपने सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी है, तो हमने हेलमेट ले लिया है। जस्ट मैं अभी इसको पहले जा रही हूँ और रास्ते में व्लॉग नहीं बना सकती हूँ, तो फिर सीधा आपसे मिलते हैं इंद्रपुरम बरोते पे। सो गाइस हम लोग इंद्रपुरम पहुँच चुके हैं बरोते एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा है इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ। अभी हम लोग उनके ओनर का वेट कर रहे हैं, तो वो आ जाए फिर हम उनसे भी मिलवाएंगे आपको। और आइए फिर देखते हैं कि बरोते कैसा है। डायरेक्ट नहीं रखा हुआ थ्रू जो है तो स्विगी।
मैंने देखा यहाँ पे हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब साथ साथ सफाई वगैरह सैनिटाइजर सब कुछ साथ में रखा हुआ है। वो तो अब अभी आप देख भी रही हो, कोविड टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेकर के चल रहे हैं आप लोग। तो फिर अभी ट्राई करते हैं फिर खाना, जो भी आइटम चाहे आप देखो, बनते हुए भी देखो और उसका टेस्ट लेके भी देखो, फिर बताओ कि आपको कैसा लगा। जी बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ के ओनर से बात करा, अब हम लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं एंड मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सब कुछ बनते हुए देखने के लिए। लाइक फर्स्ट टाइम है कि मैं जाके किचन में खुद से बनते हुए देखूँगी, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी और तो चलते हैं फिर किचन में। पिज्जा आ गया है जो कि आपने पूरा बनते हुए देखा है, अब मैं इसको खाऊंगी इंजॉय करूंगी यहाँ अपने आप को देख देख करके। तो अभी हम इसे खाते हैं और फिर बताते हैं कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है, कैसा ये लग रहा है, कैसा जितना टेस्टी लग रहा है। इसमें मशरूम, पेपर और कॉर्न चीज सब कुछ डाला है उन्होंने, तो मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। ऑब्वियसली मैं भूखी आई थी ये सोच के कि फूड ब्लॉगिंग करनी है तो अच्छे से खाऊंगी, तो बस अब खाते हैं फिर। सॉरी गाइस, मुझे कोई भी एंगल नहीं मिल रहा है आपको दिखाने के लिए, बट आई होप आप लोग को सही दिख रहा होगा। तो ये मैं अब डाल रही हूँ अपना चिली फ्लेक्स, ज़्यादा डर गया बट कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा डाल लिया। ये रहा मेरा चीज़ी पिज़्ज़ा, आई होप जैसे मैं उठाऊँ वो चीज़ चीज़ हो जाए। अरे 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 यही तो पिज्जा की सबसे बेस्ट चीज होती है, चीज, और ये मुझे यहाँ मिली फाइनली। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। अमेजिंग, मतलब जो चीज का फ्लेवर है और कॉर्न वगैरह सब ऐसे लाइक अमेजिंग। इसके लिए जो ये चीज़ बस्ट हुआ है इसके लिए यहाँ पे बार बार आऊँगी खाने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, तो बहुत टेस्टी है, आप लोग को आओ ये पिज़्ज़ा ट्राई करो, जो डोमिनोज वगैरह में नहीं मिलता वो यहाँ मिलेगा, बहुत टेस्टी है ये। सो हैप्पी पिज़्ज़ा। ये हमारा दूसरा आइटम आ गया है जो कि है बेक पास्ता एंड अब हम इसको खाएंगे। पिज्जा मैंने ख़त्म भी कर दिया क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, अब बारी है हमारे बेक पास्ता की, दिखने में डिलीशियस लग रहा है तो आप खा के देखते हैं। अगेन मुझे एंगल नहीं मिल रहा है और मैंने भैया लोगों का सर खा लिया है, इसकी वीडियो बना उसकी वीडियो बना, पर यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में भी एंड खाना तो डिलीशियस बना ही रहे हैं। नेचर वाइज ओनर हो, स्टाफ हो, कुछ कोई भी हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से सब बिहेव कर रहे हैं, लाइक सबका नेचर बहुत अच्छा है, हर चीज़ का वो लोग ध्यान रख रहे हैं कि सारी सर्विस टाइम पर हो रही है कि नहीं, सबको टाइम पर खाना मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं एंड चीज़ें भी लाइक बना बना के बहुत सही से दे रहे हैं। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है ये तो मेरी जान ले ली थी, ऐसे इसको खा उठा करके जान ले ली थी मेरी, इतना टेस्टी गर्म है। आप देख सकते हो इसमें से धुआं निकल रहा है अभी भी, एकदम उन्होंने ओवन से निकाल दे दिया है आपके सामने और चीज़ ऐसे टेस्टी, बहुत टेस्टी लग रहा है, तो टेस्ट करके देखते हैं। भाई
ये पास्ता मैं इतने दिनों से खाने की चाहिए थी ना, मुझे इतने दिनों से पास्ता खाना था एंड अब जाके मेरा पेट खुश हुआ है कि फाइनली मुझे ये पास्ता मिल गया। तो बस खाते जाओ और आप लोग भी आके ट्राई करो, मतलब इतना टेस्टी चीज़ है ना, सही से मिल रहा है। तो आप लोग क्यों बैठे हो घर पे, लिख लो सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे ऑल डे ओपन है ये, जल्दी आओ। तो चीयर्स। मेरा ये थर्ड ऑर्डर आ गया है, ध्यान से लेके जाऊँ मैं। तो ये मेरी कोल्ड कॉफ़ी है एंड अब हम ये पियेंगे। एक्चुअली मेरा पेट तो पूरा भर गया है, अभी ये गिरते गिरते बची। तो हाँ, ये मेरा फाइनल ऑर्डर है, मतलब अभी चाय और हॉट कॉफ़ी बची है, बट वो मेरी नहीं है। तो अभी हम अपनी कोल्ड कॉफ़ी को टेस्ट करते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बताते हैं कैसी है। और मेरा पेट पूरा फुल हो चुका है, बट कोल्ड कॉफ़ी के लिए इतनी शीतल जगह चाहिए होती है, वो अलग से सेक्शन बना हुआ है उसका। तो ट्राई करते हैं फिर कोल्ड कॉफ़ी भी, आइए। गाइस आई एम सो सॉरी कि मेरा एंगल सही नहीं आ रहा, ऊपर से मेरा कैमरा टूट गया है तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर भी नहीं लग रहा होगा, बट इट्स ओके, चलता है थोड़ा सा। तो ट्राई करते हैं। मैं कोल्ड कॉफ़ी का नाम भूल गई, क्या आयरिश कोल्ड कॉफ़ी। हाँ तो ये आयरिश कोल्ड कॉफ़ी है एंड जो गाज़ियाबाद वाले में मैं गई थी वहाँ मैंने रम वोडका ब्रांडी वाले टेस्ट करी थी। नहीं नहीं, यहाँ पे चिकन वगैरह अलाउड भी नहीं है और ड्रिंक वगैरह भी अलाउड नहीं है इनसाइड, बट हाँ उन्होंने थोड़े नाम फैंसी रखे हैं, मतलब होता है ना एक्साइटमेंट बढ़ती है कि हाँ वोडका वाली कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, रम वाली, तो एक्साइटमेंट की वजह से उन्होंने नाम चेंज करके रखे हैं। बट उनका टेस्ट बिल्कुल सेम था, कुछ उसमें मिला विला भी नहीं था, बट टेस्ट एकदम सेम था। तो यू शुड ट्राई एंड ट्राई करके फिर अपना वो बताओ, मुझे भी फीडबैक बताओ कमेंट में आकर के। एंड सेकंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आपको यहाँ की पोस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो करो। अब्रोते का भी एक पेज है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूँगी आपके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो करना। तो आप पीते हैं मेरी कोल्ड कॉफ़ी। आयरिश अब मेरी सेकंड फेवरेट कॉफ़ी हो गई, क्योंकि फर्स्ट तो मेरी रम थी, अब ये मेरी सेकंड फेवरेट है। तो चीयर्स। पापा की है तो वही पी के बताएंगे कि उनको कैसी लगी। लो बाबा आराम से गिनना जाए। तो बताओ पी के कैसी लगी आपको रोस्टी, अभी तो क्या गर्म है। रोस्ट का फ्लेवर आ रहा होगा, एसी है। पूरी शाम आज यहाँ पे बीती है एंड यहाँ पे 20 टाइप की टीज हैं और 4 टाइप की कॉफ़ीज हैं और 5-6 टाइप की आपके यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी है और सारी इतनी ज़्यादा टेस्टी है, मतलब आप रोज़ टी लेते हो तो आपको रोज़ का पूरा फ्लेवर आता है, आप लेमन टी लोगे आपको लेमन का पूरा फ्लेवर आएगा। तो ट्राई करो, आ जाओ यहाँ पे बरोते में, इंद्रपुरा में, डी मॉल में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही है। आपको एंटर करते ही इतना प्यारा एक्सटीरियर मिलेगा कि आप देखते ही पहचान जाओगे, कलर कॉम्बिनेशन इतना प्यारा है कि आपके आंखों में बैठ जाएगा, अंदर का इंटीरियर इतना प्यारा है कि आप लोग फोटोग्राफी के लिए तो बेस्ट प्लेस है, मतलब वो कहते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट डालनी हो तो यहाँ आओ, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए अपना मस्त फोटो खींचो और डालो और मुझे टैग कर देना, बरोते टैग कर देना, बरोते का भी मैं लिंक डाल दूंगी, वो भी इंस्टाग्राम पे है और मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम आपको पता ही है, वाइब विद गीत, VIBEWGEEX, वाइब विद गीत, और बरोते का है VROTE, बाकी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज आपको मेरे को सर्च करना हो तो आप गीताक्षर नाम से भी सर्च कर सकते हो
और मैं आपको मिलती आऊँगी। तो गाइज अभी हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, अभी मैं क्लोज नहीं कर रही हूँ, बाहर जाके क्लोज करेंगे, पहले हम अपना सब कुछ कंप्लीट कर ले उसके बाद। एंड मैं यहाँ पे फीडबैक भी लिख के जाऊँगी, तो वो भी तो देखना है आप लोगों को, तो मिलते हैं अभी। पीपल्स ने अपने अपने सारे फीडबैक दे रखे हैं जो जो यहाँ पे अभी तक आए थे, मैं भी यहाँ पे लिखने जा रही हूँ। बस तो हम क्या लिखें, तो बेस्ट ऑफ लक बरोते लव तो गाइस हम लोग अब बरोते से निकल चुके हैं, ये रहा पीछे, एंड अब हम लोग घर जाएंगे सीधा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लाइक स्टाफ इतना अच्छा था, उन्होंने हर चीज़ में मदद करी पूरी वीडियो वगैरह बनाने में। एंड देख सकते हो अभी पूरा डी मॉल है, एंड यहीं पे है बरोते, आपको दिख जाएगा, ये मेरे पीछे मेन रोड हो गई। सबने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी वीडियो वगैरह ग्राफी वगैरह करने में, पूरा मुझे किचन में लेके गए, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं दोबारा विज़िट करूँगी। एंड आप लोगों को भी बोलूँगी प्लीज़ विज़िट करो, बहुत अच्छा है ये, लाइक बहुत ज़्यादा। तो बैन करने वाली हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, बरोते को फॉलो कर दीजिएगा, यहाँ पे बस विज़िट करिएगा एंड मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, और अपना ध्यान रखिएगा, और नई नई चीज़ों में आते रहिएगा, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करती रहिएगा, नया नया खाना खाते रहिएगा, और बरोते भी ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस।